बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नए मॉडल सुजुकी बोलान कैरी डब्बे के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 40 साल के बाद सुजुकी कंपनी ला रही है कैरी डब्बे का नया मॉडल, और काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसी गाड़ी लॉन्च हो जिसकी कीमत भी कम हो और साइज़ में भी बड़ी हो और फ्यूचर भी उसमें काफ़ी अच्छे हों। तो अब इंतज़ार की घड़ियां समझो ख़त्म हुई, क्योंकि फ्यूल एवरेज होने वाली है पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी, और डिज़ाइन तो बाकी सारा न्यू ही होगा, और एयर कंडीशन के साथ हमें मिलने वाले हैं तमाम ज़्यादा स्पेसिफिकेशन। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर न्यू आए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आपको इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त मिलती रहें। तो बात स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारे भाइयों, लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने कैरी डब्बा से तंग आ चुके थे, और 40 सालों के बाद सुजुकी का नया मॉडल आ रहा है, और देखने में ये गाड़ी बहुत ही प्यारी है और बहुत ही मज़े के इसमें है फ्यूचर, और मेन चीज़ तो जो है वो है इसका डैशबोर्ड। और गियर लीवर जो है वो आपको मिलने वाला है डैशबोर्ड में। मैनुअल और ऑटो दोनों वेरिएंट जो हैं वो लॉन्च होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताएं इंजन के बारे में, तो इंजन वही आने वाला है जो पुराने कैरी डब्बे में था, और बाकी नए मॉडल में आपको पता है कि ये गाड़ी अपडेट में आ रही है, तो इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो होगी काफ़ी पहले से बेहतर। और इसके अलावा आपको बताएं बाकी फ्यूचर के बारे में, तो सेफ्टी स्पेसिफिकेशन आपको मिलने वाली है इसमें। आपको सबसे पहले तो मिलने वाली है ABS ब्रेक, इसके बाद आपको मिलने वाले हैं ड्यूल एयरबैग्स, और उसके अलावा आपको मिलने वाला है अलार्म सिस्टम, और इसके अलावा आपको मिलने वाली है LCD इन्फोटेनमेंट, USB स्लॉट, और पावर विंडोज़ वगैरह के फ्यूचर आपको मिलने वाले हैं। तो फ्यूचर इसमें जो है वो काफ़ी मज़े के हैं। और हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि ये गाड़ी है 12 सीटर, और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में 12 सीट्स पर भी 20 बंदे आराम से बिठाए जा सकते हैं, तो सीटिंग सिस्टम जो है इस गाड़ी का वो है बहुत ही कंफर्टेबल। और इसके अलावा फ्रंट पर आ रही है इसके बहुत ही प्यारी सी ग्रिल, और हेडलाइट का सिस्टम जो है वो भी काफ़ी चेंज कर दिया गया है, और टर्न सिग्नल भी आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। अगर डिज़ाइन के बारे में बात करें तो आप फ्रंट से देख लें, बैक से देख लें, या साइड प्रोफाइल से भी आप देख सकते हैं, यानी कि आप इसको कह सकते हैं शशके वाली गाड़ी। और जबकि अब हम प्राइस के बारे में बात करें तो कैरी डब्बे का जो नया मॉडल है वो पाकिस्तान में आ रहा है 13 लाख से 15 लाख की रेंज में। इसके जो दो वेरिएंट हैं वो पाकिस्तान में लॉन्च होंगे, और इस कीमत में ये गाड़ी जो है वो चंगान कारवान को बकायदा टफ टाइम देने वाली है, और फ्यूचर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है पहले से, डिज़ाइन भी बिल्कुल नया है, और इसकी जो लॉन्चिंग डेट बताई जा रही है वो फाइनली 2022 है। तो क्या आप इस गाड़ी को 13 और 15 लाख में ख़रीदेंगे या बिल्कुल भी नहीं, लाजमी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। बाकी मज़ीद इस गाड़ी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम आपके साथ लाजमी शेयर कर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर देना, वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।